क्रिकेट के बाद सबसे चहेता खेल बन गया है। जो खिलाड़ी पहले हमारे अर्जुन अवार्ड एशियन गेम्स के मेडलिस्ट कोई नहीं जानता था, अब प्रो कबड्डी का एक सीजन खेलिए, पब्लिक के आप सितारे बन जाओगे। रुपया पैसा शोहरत नाम सभी कुछ आपके साथ होगा। जितना भी धन्यवाद किया जाए स्टार स्पोर्ट्स का उतना ही कम होगा। कबड्डी खिलाड़ियों को एक नई जो माइक दी है, सारा का सारा श्रेय बिल्कुल हमारे जो कबड्डी के भगवान श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत, जिन्होंने इस कबड्डी को कहां से उठाकर कहां तक पहुंचा दिया। जो बर्तनों में कबड्डी खेली जाती थी अब करोड़ों में कबड्डी खेली जाती है, ये सारी की सारी देन श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत, उनकी आत्मा को जाता है। और इस हरियाणा प्रदेश पर तो जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री कुलदीप दलाल जी ने कल भी बताया, उनका खास आशीर्वाद रहता था। आप इतिहास उठाइए, सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड किसी स्टेट में है तो आपके अपने हरियाणा में है, सबसे ज्यादा एशियन गेम्स के मेडलिस्ट अगर किसी स्टेट में है तो आपके अपने हरियाणा में है, सबसे ज्यादा द्रोणाचार्य अवार्डी कोचिंग की स्टेट में है तो आपके अपने हरियाणा में, और ये सारा का सारा आशीर्वाद स्वर्गीय श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत को जाता है। और मैदान नंबर एक पर जो मैच चल रहा है उत्तराखंड वर्सेस पंजाब, बहुत ही कांटे का मुकाबला, 20 और 21 का स्कोर, कभी एक अंक उत्तराखंड टीम आगे हो जाती है तो कभी एक अंक पंजाब की टीम आगे हो जाती है, बहुत ही बराबरी का मुकाबला। ये देखिए बार बार बोलने के बाद भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं दर्शकों से खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है आप अपने जो स्थान बनाया गया उसका यूज कीजिए, हमारा बार बार आपसे निवेदन है। और जो हमारे कोचिंग साहिबाना आपके लिए हम बिल्कुल मंच की व्यवस्था है, आप आ जाए सर, आप प्रो कबड्डी के और इस भारतवर्ष के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं। काल होता ना हमारा सारा नेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अधीन सभी स्टेट इकाइयां काम करती हैं, उनके पदाधिकारी बिल्कुल मंच पर कल से हमारे बीच में मौजूद हैं, सही समय पर यहां पर पहुंचे और लगातार उनकी देख रेख में यह आयोजन सफलता की ओर बढ़ रहा है।
अमेजर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा का लगातार ये तीसरा आयोजन। सबसे पहला आयोजन हुआ जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता बॉयज एंड गर्ल्स एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के ग्राउंड पर, एक बहुत ही सफल आयोजन हुआ। उसके बाद अभी मार्च के अंदर महिला नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप करवाई गई, वो भी एक बहुत ही अव्वल दर्जे का और बहुत ही सफल आयोजन साबित हुआ। और तीसरा जो आयोजन चल रहा है आपके सामने, पुरुष वर्ग की सीनियर कबड्डी नेशनल चैंपियनशिप, जो कि लगातार सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। और हमारे बीच में आदरणीय श्री राम कुमार जी रिटोलिया, प्रधान अनाज मंडी सखी दादरी, और सभी पदाधिकारी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन अभिवादन है। आदरणीय राम कुमार जी रिटोलिया, प्रधान अनाज मंडी सखी दादरी, और सभी सहयोगी साथी पदाधिकारी, फूड ग्रेन एसोसिएशन सखी दादरी। Oh, dear.
from the tackle point. Last and final call, Charisid versus Pondicherry, Rajasthan versus Manipur. Last and final call, Charisid versus Pondicherry, Rajasthan versus Manipur. Okay.
शिवन्ना